नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास सो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आकर्षण का केंद्र बनी अयोध्या के दीपोत्सव की झांकी। मुलायम का पद्म विभूषण, समाजवादी को नहीं हो रहा हजम। क्या हुआ जब योगी सरकार के मंत्री की फिसली जुबान। शहीद कैप्टन मनोज पांडे की जन्मभूमि पर भी लहराया तिरंगा प्यारा। स्कूल की दीवार पर बना दिया उल्टा राष्ट्रीय ध्वज। सीतापुर में शुक्रवार 27 जनवरी को होगी इन्वेस्टर्स समिट। जिला महिला अस्पताल में डीएम ने मनाया बेटियों का जन्म दिवस। सीतापुर में नगर से गांव तक धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। देश की राजधानी दिल्ली के गणतंत्र दिवस में इस बार अयोध्या दीपोत्सव की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर जब उत्तर प्रदेश की झांकी निकली तो लोगों की निगाहें टिकी रह गईं। झांकी में वशिष्ठ ऋषि की एक बड़ी प्रतिमा रखी गई थी। रथ पर भगवान राम और माँ सीता के साथ लक्ष्मण नजर आए। यह दूसरा मौका था जब उत्तर प्रदेश की झांकी थीम में अयोध्या को जगह दी गई थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को भाजपा सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया जाना सपाइयों को रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि पद्म विभूषण देकर मुलायम सिंह यादव के योगदान का उपहास किया जा रहा है। श्री मौर्य ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने बृहस्पतिवार को एक ट्वीट कर कहा, भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर उनके व्यक्तित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान का उपहास किया है। यदि नेताजी की सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करना चाहिए था। सपा ने वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने सरकार से मांग की है कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि नेताजी ने हमेशा देश प्रदेश के किसानों, गरीबों, नौजवानों को आवाज की बुलंद की है। सपा की सांसद डिंपल यादव ने भी नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने को लेकर कहा कि नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था। उनकी मांग रहेगी कि नेताजी को सरकार भारत रत्न दे। वहीं नेताजी की बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने पद्म विभूषण दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी के कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, किरणमय नंदा, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, डॉक्टर आर के चौधरी, एमएलसी जासमीर अंसारी, राजपाल कश्यप और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ सेफई में मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने ध्वजा फहराया। डिंपल यादव ने हनुमान मंदिर के पास झंडा फहराया। शिवपाल यादव ने इटावा के कोऑपरेटिव बैंक में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वह बड़बोले हैं, मैनपुरी में चुनाव में आए थे, वैसे तो जसवंत नगर की जनता ने जवाब दे दिया है, आने वाले समय में हम उन्हें बताएंगे चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अब बात होगी बिजली कनेक्शन से लेने वाले उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलने की। नए कनेक्शन की दरों में 15 से 20% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिषद के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने इसे स्थगित कर दिया है। आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने पावर कॉरपोरेशन को संशोधित प्रस्ताव देने के साथ ही कहा कि कनेक्शन की दरें आम जनता व छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक होनी चाहिए। देखना होगा इस पर भविष्य में कितना अमल होता है। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उस समय असहज स्थिति हो गई थी जब आजमगढ़ के पुलिस लाइन में बतौर मुख्य अतिथि योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु की जुबान संबोधन के दौरान फिसल गई। मंत्री जी ने अपने संबोधन में योगी सरकार का गुणगान करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश गेहूं और चीनी के उत्पादन में नंबर वन है। गेहूं और चीनी उत्पादन की चर्चा करते करते अचानक मंत्री जी बोल पड़े कि अपराधों में हमने बहुत से ऐसे लक्ष्य हासिल किए हैं कि जिसमें पहले हम बहुत पीछे रहा करते थे। इसके बाद वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे और कानाफूसी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के साथ भव्य परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधान भवन पर तिरंगा फहराने के बाद परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे।
सीतापुर के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर में गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने बच्चों के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान बच्चों ने देश गीत प्रस्तुत किए। बसंत पंचमी मनाते हुए गुरु परंपरा पूजन के बाद माँ सरस्वती का पूजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन दीपांशु नव्या श्रीवास्तव और छात्रा प्रमुख ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने किया तथा इस दौरान मौलिक मोहन माधव अलका सुकृति सानवी समृद्धि अनय छात्र प्रमुख कृतज्ञ आराध्या श्रुति आदि बच्चों के अतिरिक्त संजीव तिवारी विकास अर्चना मिश्रा व शांता महावर आदि शिक्षक मौजूद रहे। नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने ध्वजारोहण कर उपस्थित बच्चों को अच्छे नागरिक बनकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरा करने का संदेश दिया। यहां पर तमाम छात्र छात्राओं सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर के रसौरा स्थित रिजेंसी पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिजेंसी शैक्षिक समूह के संस्थापक MF जैदी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की छात्राओं प्रकृति श्रीवास्तव अमरजीत कौर अंशिका जैन एवं सिद्धिमा सिंह ने किया। जनगण मन की धुन और वातावरण देशभक्ति से परिपूर्ण हो गया। हिंदी एवं अंग्रेजी में गणतंत्र दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इफ्तिसा इकराम एवं आराध्या राज ने हिंदी एवं अंग्रेजी में गणतंत्र दिवस का महत्व बताया। छात्रा हर्षिता वर्मा ने उर्दू नज्म द्वारा देश पर मर मिटने का संदेश दिया तथा अंग्रेजी में रचित मल्होत्रा ने कविता पाठ किया। नाट्य रूप के रूप में भगत सिंह की छवि और क्रांतिकारियों के बलिदान का ऐसा रूप प्रस्तुत किया गया कि सभी की आंखों में आंसू छलक उठे। इस अवसर पर प्रबंधक MF जैदी तथा प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अंत में विद्यालय की हेड गर्ल शक्ति ईशान ने सबका धन्यवाद ज्ञापन किया। लखनऊ पब्लिक स्कूल की लखीमपुर शाखा में गणतंत्र दिवस पर प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने ध्वजारोहण किया। विद्यालय परिसर में तिरंगे का ध्वजारोहण विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने किया। इस दौरान बच्चों ने देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मंच का संचालन शिक्षक श्याम रस्तोगी ने किया। प्रधानाचार्य विजय सचदेवा ने सभी उपस्थित अभिभावकों शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी पर्व की शुभकामनाएं दी। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरत त्रिपाठी रहे। आगंतुकों का स्वागत प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने किया। रजनीश पाठक बैरिस्टर सुरेश सिंह सुभाष चंद अग्नोती श्री राम रस्तोगी वीरेन डुरेजा व दिनेश राय कमलेश आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भैया बहनों द्वारा मनमोहक स्वागत गीत वंदना देशभक्ति लघु नाटिका सांस्कृतिक गीत भाषण आदि प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि पूर्व MLC भरत त्रिपाठी रजनीश पाठक हिंदी प्रवक्ता राजेश पांडे विद्यालय प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी आदि ने गणतंत्र दिवस व वसंत उत्सव पर अपने विचार रखे। कजियारा स्थित शिव संकट मोचन मंदिर पर बसंत पंचमी के अवसर पर श्री रामचरित मानस का पाठ एवं तहरी भोज का आयोजन किया गया। भोज में दर्जनों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में होली दहन के लिए पेड़ भी लगाया गया। कार्यक्रम में राजन जौहरी आशु वर्मा संतोष प्रजापति पुष्कर श्रीवास्तव अन्नु विजय गुप्ता लल्ला मिलिंद चतुर्वेदी सुबोध सर्वेश श्रीवास्तव आदि प्रमुख सहयोगी रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। लहरपुर में कोतवाली प्रभारी आलोक मंड त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर के विभिन्न चौराहों पर यातायात जागरूकता अभियान के तहत वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में केसरीगंज सिराहे पर उप निरीक्षक अशोक सोनकर ने टीम के साथ वाहनों का निरीक्षण किया और ऑनलाइन चालान भी किए। नगर चौकी प्रभारी जयप्रकाश यादव ने नगर के मुख्य द्वार पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले के चालान भी किए। कोतवाली क्षेत्र की अंतर्गत भतफर चौकी प्रभारी जीवन चंद जोशी ने टीम के साथ यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के चालान काटे। सीतापुर जिला कारागार में गणतंत्र दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ध्वजारोहण कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कारागार में आयोजित समारोह में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही व राज्य मंत्री नगर विकास राकेश राठौर गुरु ने बंदियों को संबोधित किया। इस अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री ने कारागार को रोटी सेकने वाली मशीन व आवासीय परिसर में सड़क भी बनवाने का वादा किया है। इस अवसर पर बंदियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में जेलर
अरविंद श्रीवास्तव, उप जेलर विजय लक्ष्मी गुप्ता, संतोष कुमार, समाज सेवी प्रदीप गुप्ता, संजय मिश्रा सहित कारागार स्टाफ और सामाजिक गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीतापुर की डोर फाउंडेशन सामाजिक संस्था द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुंशीगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में ध्वजारोहण के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव अमरीश दीक्षित ने किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारियों ने अमरूद, नीम, चांदनी, अशोक आदि के वृक्ष लगाए। संगठन जिला अध्यक्ष आकाश राय ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में शिव बालक त्रिवेदी, रत्नेश द्विवेदी, कमलेश मल्होत्रा, सचिन त्रिपाठी, राम कुमार कटियार, विजय कुमार शुक्ला, विनोद त्रिपाठी, विकास चंद जैन, अशोक प्रजापति, शांति स्वरूप रस्तोगी, अन्नी मल्होत्रा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संजय पांडे, कृष्णांश शुक्ला आदि का सहयोग रहा। ग्रीनफील्ड एकेडमी महोली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण प्रधानाचार्य विनय पांडे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान कैमरा श्रीचंद दीक्षित, कौशलेन दीक्षित रहे। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिन्हें अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। सदर तहसील के रामकोट थाना प्रभारी संजीव कुशवाहा ने गणतंत्र दिवस पर थाना परिसर में ध्वजारोहण किया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। महिला आरक्षियों सहित थाने का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं वीडी पब्लिक स्कूल भौवापुर के प्रबंधक रामेश्वर दयाल यादव ने ध्वजारोहण किया। प्रबंधक अमरेंद्र यादव ने छात्र छात्राओं को शील्ड देकर पुरस्कृत किया। छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गीत गाया और झांकियां प्रस्तुत की। प्रिया डे पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुनीत अग्नोत्री सहित सभी टीचर मौजूद रहे। कंपोजिट विद्यालय रामकोट में प्रधानाध्यापिका सावित्री राज ने ध्वजारोहण किया। केपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में प्रबंधक आरके यादव ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अश्विन मल्होत्रा को बैज लगाकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक लाला राम यादव ने छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया। रूना गेंद्र पब्लिक इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समता सैनिक दल की तरफ से बच्चों को ट्रॉफी, डायरी, पेन व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुधीर कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक राम नारायण सिंह, प्रधाना अध्यापिका दीप शिखा सिंह, निधि, सरिता, राजवंशी आदि लोग मौजूद रहे। कारगिल युद्ध के योद्धा परमवीर चक्र विजेता सहित कैप्टन मनोज पांडे के गांव ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत रूढ़ा गांव में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे आवास, कैप्टन मनोज कुमार पांडे पार्क, कैप्टन मनोज कुमार पांडे अमृत सरोवर तालाब पर DPRO, मनोज कुमार DDO, प्रभारी BDO कसमंडा हरिश्चंद प्रजापति ने तिरंगा फहराकर अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें नमन किया। क्षेत्रीय विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा ने शहीद स्थल पहुंचकर कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भारत माता की जय व कैप्टन मनोज पांडे अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर ADO पंचायत दिनेश यादव, ग्राम सचिव रूढ़ा अंशिका वर्मा, दिनेश वर्मा, जितेंद्र शुक्ला, रविकांत शुक्ला, विनीत यादव, सुशील कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि मन्नू मिश्रा, अरविंद सिंह चौहान, कौशल चंद पांडे, अमर वाजपेयी, पिंटू मिश्रा, श्याम जी, आदर्श पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी वसंत पंचमी के अवसर पर ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा के सुप्रसिद्ध प्राचीन मारुत नंदन आश्रम पर 38वां श्री मारुत नंदन रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। यजमान रवि प्रकाश सिंह व उनकी पत्नी वीनू सिंह ने व्रत रखकर कलश में जल भरा। यज्ञाचार्य शिवम मिश्रा ने कलश का पूजन कराया। इस मौके पर महंत विजयपुरी जी महाराज, मारुत नंदन आश्रम के महंत हरि ओम बाबा, यज्ञ कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रभात सिंह चौहान, कोषा अध्यक्ष भगवान बख्श सिंह, महामंत्री अमर सिंह, दिलीप तिवारी, कान्हा सिंह, तेज प्रकाश सिंह, मंजीत सिंह, सज्जन सिंह, अखिलेश सिंह, अखिलेश मिश्रा, अशोक मिश्रा, प्रांशुल अवस्थी, सुमित वाजपेयी, अजय कुमार सिंह राठौर आदि भक्तगण उपस्थित रहे। थाना मछरेटा क्षेत्र के बारेपारा गांव के बाहर सीतापुर नहर रोड पर बने प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल पर कराए गए मिशन कायाकल्प के द्वारा रंग रोगन में कई माह पूर्व राष्ट्रीय ध्वज का चित्र भी बनाया गया था, जो कि उल्टा राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना दिया गया था। हैरत तो इस बात की है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दूर से नजर आने के बावजूद विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित किसी अन्य ने भी ध्यान नहीं दिया। इस गड़बड़ी को रोज दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर पढ़ने जाने वाली छात्रा काव्या सिंह निवासी बीहट वीरम ने देखा और अपने पिता को बताया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पिता द्वारा गलती को सुधारने की जगह पर उसे पूरा पेंट करा दिया गया। सीतापुर के आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद
राष्ट्रगान और परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माँ सरस्वती की पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर सशक्त सिंह, डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह, डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर अब्दुल रब खान, रोहित सिंह, दक्षिणा राजीव, राहुल ऋषभ, शशि प्रभा, तबस्सुम, राहिल, स्वाति अबरार, कोमल, सूरज, तिलक राज आदि मौजूद रहे। देश में विकास कार्यों को रफ्तार देने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों में आयोजित हो रही इन्वेस्टर समिट का सीतापुर में शुक्रवार 27 जनवरी को आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शहर के रसोरा स्थित मयूर रिजॉर्ट में होगा। इस दौरान प्रशासन और उद्यमियों के मध्य संवाद कायम किया जाएगा, साथ ही यूपी की उद्योग नीति से भी उन्हें अवगत कराया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त आशीष गुप्ता इस आयोजन से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि अब तक लक्ष्य 750 करोड़ के सापेक्ष में 90 अरब रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इस समिट से इस ग्राफ में और भी बढ़ोतरी होने की पूरी आशा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीएम अनुज सिंह ने जिला महिला अस्पताल सीतापुर में केक काटकर 19 बेटियों का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके नसीब अच्छे होते हैं उनके घर बेटियां होती हैं। घर में बेटियां जन्म लें तो महोत्सव के रूप में मनाएं, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर महिलाएं पदासीन हुई हैं। प्रदेश की राज्यपाल भी महिला ही है। आने वाले समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज्यादा सफल होंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बेटियों को बेबी केयर किट एवं मिठाई का वितरण किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत सर्वाधिक कार्ड बनाने वाली 3 पंचायत सहायकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए पुरस्कृत भी किया। सकरण स्वास्थ्य केंद्र MOIC को भी प्रशस्ति पत्र देकर प्रदान करते हुए पुरस्कृत किया एवं आंख अस्पताल के डॉक्टर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान CMO डॉक्टर मधु गेरोला, CMS डॉक्टर सुषमा कड़वाल, ADM राम भरत तिवारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सीतापुर के ZD गोयनका पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य त्रिशला शाह ने झंडारोहण किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व मां सरस्वती पूजन से संबंधित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रबंध समिति के प्रमुख सूर्यांश सहगल, हर्ष सहगल सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।